आपका कलर ब्लैक है, वाइट करना चाह रहे हैं, परेशान रहते हैं ब्लैक रंग की वजह से, सोच रहे हैं कि ईद आ गई है और ईद से पहले हमने अपने चेहरे को वाइट करना है, सबसे खूबसूरत नजर आना है, तो परेशान होना छोड़ दो मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, आप लोगों के लिए आज ऐसी कमाल की पावरफुल चीज लेकर आई हूँ जिसको आप यूज करके इजीली अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं। क्या आप लोग क्रीम्स यूज करते हैं? क्रीम आपको सूट नहीं करती, कभी भी आपने यह लगाई नहीं है, लगाना नहीं चाह रहे, तो परेशान नहीं होना। आपको इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसको आप यूज़ करके इजीली अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं। कितने टाइम में? जस्ट 5 मिनट में। सो मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, बिना टाइम से आए कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब आप सब्सक्राइब करेंगे काइंडली आपको ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें जल्दी। सबसे पहले मेन चीज, हर बंदे को शौक है कि यार मेरा कलर फेयर हो जाए, मैं सबसे खूबसूरत नजर आऊं, वाइट हो, मेरी स्किन नीट हो। दूसरी चीज, कुछ मेरी प्यारी बहनें एंड भाई पिंपल्स की वजह से परेशान रहते हैं, एक्निंग है फेस पे उसकी वजह से परेशान रहते हैं, या फिर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, इन चीज़ों की वजह से क्या आप लोग परेशान रहते हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, एंड तक देखिएगा, आपकी हर चीज़ का इसमें आपको सलूशन मिलने वाला है, आपकी स्किन बिल्कुल नीट हो जाएगी, आपकी स्किन वाइट हो जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप इजीली यूज़ करके अपने फेस को हमेशा के लिए साफ कर सकती हैं, वाइट कर सकती हैं। सबसे पहले वो बंदे जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या फेस में पिगमेंटेशन है, एक्नी है, किसी चीज़ के लिए भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, प्योर पर्ल कैप्सूल। प्योर पर्ल कैप्सूल आप लोगों ने ले लिए, ये कॉस्मेटिक शॉप से आपको मिल जाएंगे 50 रुपीज़ में 2, ठीक है। जो क्रीम भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई क्रीम आपको रेकमेंड नहीं करने वाली, जो आप लोगों को सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती है, या फिर आप लोग कोई न्यू यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी क्रीमी होती है, लाइट भी, जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं, वो आप लोगों ने क्रीम ले लिया है। उसके बाद आप लोगों ने ये एक प्योर पर्ल कैप्सूल जो है ना अपनी क्रीम में ऐड कर लेना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई सी भी स्किन है, तो आप बिना झिझक इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, पिंपल्स, एक्नी, एक्नी के निशान, डार्क स्पॉट्स ख़त्म होके आपकी स्किन नीट हो जाएगी। एक चीज़ हो गई, जो पर्सन क्रीम यूज़ करना चाह रहे, हाँ बता दूँ ये बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है फेस वॉश। फेस वॉश तो हर बंदा ही यूज़ करता है, ठीक है, अगर फेस वॉश नहीं कर रहा तो वो सोप यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें यूज़ कर रहा है। अगर आप लोग अपना सोप यूज़ कर रहे हैं और सोप ही यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सोप में भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, अब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में मैंने सोप बनाने का तरीका भी सिखाया हुआ है, और उसको अच्छी तरह से आपने क्रश कर लेना है और सोप को, और उसके अंदर आप लोगों ने ये ऐड करके चूल्हे पे उसको बना लेना है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर सोप में चूज़ करना चाह रहे तो सोप में कर सकते हैं। क्या होगा इससे, बॉडी वाइट हो जाएगी, फेस वाइट हो जाएगा, स्किन की एक्नी, पिंपल्स जो भी हैं वो ख़त्म होकर स्किन ग्लो करेगी, स्किन आपकी नीट वाइट हो जाएगी। ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ऑप्शंस, ताकि आप लोग जो चीज़ भी यूज़ करना चाह रहे हैं इजीली कर सकें। कोई मेरी प्यारी बहन एंड भाई इस ईद पे ब्लैक ना रह जाए, सब वाइट हो जाए। अब आ जाती है बात फेस वॉश की, अगर आप सोप नहीं यूज़ करें, फेस वॉश यूज़ करें, फेस वॉश में भी आप अगर बड़ा वाला है एक दोनों ऐड कर लें, अगर छोटा है तो एक कैप्सूल को मिक्स कर लें उसके अंदर अच्छी तरह से, इसमें पाउडर सा निकलेगा खोलेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये अब बात आ जाती है रेमडिस, क्या आप लोग रेमडिस यूज़ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे, जस्ट मुल्तानी मिट्टी आप फेस पे लगा रहे हैं कि ये एक्निंग कलर की वजह से, या फिर डस्ट की वजह से, या फिर अपनी स्किन को यंग जवान करने के लिए, वाइट करने के लिए, किसी किस्म की भी तरह की ना आप अपने फेस की प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप एक कैप्सूल ऐड कर लें, वन टाइम में जो एक पैक बना रहे हैं फेस पैक वो लगा लें, बेसन का पैक बना रहे हैं वो लगा लें। सबसे मज़े की चीज़ बताऊँ आप लोगों को, फेस वॉश बना के रख लो घर में। पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताया है, उसमें सैंडलवुड पाउडर लेना होता है, बेसन लेना होता है, और मुल्तानी मिट्टी लेनी होती है, माश दाल का पाउडर, या फिर अगर नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने रखना होता है, उसके अंदर ये कैप्सूल को ऐड करें, ऐड करके मिक्स करके उसको रख लें।
जब भी फेस को वॉश करें, थोड़ा सा लिया फेस पे डाला, थोड़ा सा हैंड पे डाला, पानी डाला, उसके ऊपर फेस पे लगाया, पैक लगाया, 2-3 मिनट मसाज की, वॉश किया, स्किन वाइट हो गई। हो गया ना इजी। हर बंदा आसानी के साथ अपनी स्किन को वाइट कर सकता है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग भी वाइट होना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी कोशिश करें, मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। सो मेरी प्यारी बहनों एंड भाई, ये तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीक़ों से आप लोग यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा आप लोगों को। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी स्किन पे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हैंड फिट का। हैंड फिट के लिए आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ करें उसमें ऐड करें, ब्लीच यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐड कर लें। उसके बाद आप लोग कोई भी फेशियल वगैरह ले रहे हैं अपने फेस पे कर रहे हैं, खुद घर में या करवा रहे हैं, उसमें ऐड कर लें। इसका रिजल्ट दुगना हो जाएगा, आपके चेहरे पे 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप लोग भी ईद से पहले चाह रहे हैं कि आपके फेस पे 4 चांद लग जाए, तो फिर ये कैप्सूल आप लोगों के लिए ज़रूर चूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। ये आप लोगों को किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। इसके यूज़ करने का तरीका सारा लिखा हुआ है, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर्सनली मैंने इसको खुद ट्राई कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने जो है ना फैमिली में उनको भी चूज़ करवा लिया है। तो अब एक बात, क्या आप लोगों की एज 15 ईयर है? तो फिर आप लोगों ने नहीं यूज़ करना, आप लोग बिल्कुल भी इसको यूज़ ना कीजिएगा, इसको स्किप करके बाकी आप रेमेडीज वगैरह ट्राई कर सकते हैं। सो मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, यही थी आज की छोटी सी अमेजिंग वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।